इस मैट को बनाने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़े में से मैंने स्क्वायर पीसेस लिए हैं, कुछ पुराने कुर्ते में से हैं, कुछ पुरानी बेडशीट में से हैं। इस तरीके से क्या है इस पीस के मेजरमेंट हैं 4.5 इंच बाय 4.5 इंच के स्क्वायर पीसेस हैं। अब आपको क्या करना है, पहले हम इसे ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ज्वाइन कैसे करना है, सिंपल अलग अलग कलर के आपको स्वाचेस लेने हैं। ये कलर लिया, फिर ये रखा इसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 2, फिर कोई और कलर ले लीजिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 3, ये रखा सिलाई लगा लीजिए 4, फिर यहाँ पे रखना है सिलाई लगा लीजिए 5, और एक और लिया यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 6। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 सिक्स पीसेस को ज्वाइन करके एक लंबी स्ट्रिप बना ली। 1 2 3 4 5 6 सिक्स पीसेस मैंने ज्वाइन कर ली, एक लंबी स्ट्रिप बना ली। जैसे ये बनाई है वैसे ही मैंने एक और स्ट्रिप बनाई है सिक्स पीसेस की। अब आपको क्या करना है, ये रखा इसे इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो ये इस तरीके से ज्वाइन हो गया। अब 6 पीसेस की मैंने इस तरीके से एक और स्ट्रिप ली, उसे इसके ऊपर रखना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। बस इसी तरीके से हमें इसमें पीसेस ज्वाइन करना, सारी पीसेस ज्वाइन कर लिए। तो टोटल मैंने ये किए 36 मैंने इसमें पीसेस ज्वाइन किए। तो इस तरीके से बन गया। अब हम पहले से क्विल्ट करते हैं। तो क्विल्ट करने के लिए हमने क्या लिया है, इस तरीके से पतले वाली फॉर्म ली है और एक पीस इस तरीके से लाइनिंग का लिया है, उसके ऊपर फॉर्म शीट ऊपर हमने ये जो बनाया है ये रखना है 3rd इस तरीके से, और इस पे आपको इस तरीके से ये जो जोड़ है यहाँ से 1/4 इंच लंबाई में ऐसे और ऐसे इस पे सिलाइयाँ लग, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली, जोड़ है जोड़ से 1/4 इंच एक एक लंबी लंबी सिलाइयाँ इस तरफ लगा ली और सेम वैसे ही मैंने इस तरफ भी लगा ली। तो इस तरीके से क्विल्ट होके ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे राउंड शेप देते हैं। तो राउंड शेप कैसे देनी है, 1 फोल्ड, एक फोल्ड किया बिल्कुल बराबर, 2 फोल्ड कॉर्नर्स को मिलाते हुए, 4 फोल्ड कर लिया। अब हम इसे राउंड में शेप दे देते हैं। तो यहां से आ रहा है मेरा 11.5 इंच, 11.5 इंच इसे इस तरीके से घुमाना है और इस पे निशान लगाते रहना है राउंड में, इस वाले कॉर्नर से पकड़ते हुए इस तरीके से घुमाते हुए राउंड में निशान लगा लीजिए 11.5, फिर इस निशान से थोड़ा सा आगे जाके 11.5, फिर इस निशान से थोड़ा आगे जाके 11.5 इस तरीके से इसे मिला दीजिए, ये देखिए। अब इसकी कटिंग कर लीजिए इसी शेप। इस तरीके से ये देखिए। तो ये मेरे पास इस तरीके से राउंड शेप में ये कट हो गया। अब हमें क्या करना है, वन पीस मैंने लाइनिंग ली, ये रफ एजेस हम इसके फिनिश करेंगे। उसके लिए सिंपल जो सूट वाली लाइनिंग होती है वही लाइनिंग ले रही हूँ मैं। वन पीस मैंने लाइनिंग ली अभी स्क्वायर में, बाद में हम इसे राउंड शेप दे देंगे। ये जो हमने राउंड बनाया है इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, राउंड रखा और पूरा राउंड में यहाँ से लेके पूरा राउंड में सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, वहाँ से हम इसे सीधा कर, ये मैंने पूरे राउंड पे सिलाई लगा दी, यहाँ से मैंने थोड़ा सा ओपन छोड़ दिया है सीधा करने के लिए। अब ये इसी शेप में जो एक्स्ट्रा लाइनिंग वाला है इसी शेप में कट कर लीजिए। ये मैंने कट कर लिया, इस पे छोटे छोटे नोचेस लगा दीजिए पूरे राउंड में। नोचेस लगाने के बाद यहां से इसे टर्न कर लीजिए, ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड पे इस पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली, तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके लिए बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है,
मेन फैब्रिक, बीच में फॉर्म शीट और नीचे लाइनिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये मैंने लिया है 26 इंच बाय 26 इंच का एक स्क्वायर पीस लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे सिलाइयां लगा लीजिए, इस पे लाइनें लगा ली। तो इस तरीके से फॉर्म के साथ ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे राउंड शेप देनी है। तो हमने जैसे पहले राउंड शेप दी थी वैसे ही सेम देनी है। वन फोल्ड इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इसे सेंटर में से फोल्ड करना है। ये मैंने इसे सेंटर में से फोल्ड किया और जैसे हमने पहले राउंड शेप दी थी तो यहाँ से हमने लेना है। ये है मेरा 13 इंच, क्योंकि 26 लिया था मैंने, तो 13 इंच पे निशान लगाते हुए इसे हमें राउंड शेप दे देनी है। फिर यहाँ से 13 इंच जैसे हमने पहले दी थी सेम उसी तरीके से देनी है। इस तरीके से अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने इसे कट करके अलग कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये बेस के लिए हमारा राउंड आ गया। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा राउंड कट हो गया था, हमारा बेस रेडी हो गया। अब हम इसके साइड में यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसे 2 मिनट साइड पे रखते हैं। पहले हम उसके लिए इस तरीके से कपड़ा लेते हैं। ये मैंने लिया है 6 इंच इसकी लंबाई है और इसकी विड्थ मैंने ली है 5 इंच। अब आपको करना क्या है, मैंने 2 पीसेज लिए हैं जो हमने बचे कुचे कलर यूज किए थे। इसमें आप कोई भी इस तरीके से आपके पास कपड़े के टुकड़े बचे हैं वो यूज कर सकते हैं। अब इसे यहाँ से फोल्ड करना है एक तरफ से और इसे हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। ये मैंने गोलाई दे दी, इसे कट कर लीजिए। इस तरीके से कट कर लिया तो एक तरफ से हमारी गोलाई आएगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, पूरे राउंड पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे इसमें हल्के से नोचेस लगाते हुए ताकि हमारा इजिली टर्न हो जाए, नोचेस लगा लिए। अब इसे सीधा कर लीजिए, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी पॉकेट सी बन, इसके अंदर आप इसे फिल कर लीजिए थोड़ा सा। तो इस तरीके से मेरे पास कतरन है, कतरन यूज कर सकते हैं, पुराने कोई पिल्लो कवर पड़ा है उसकी कॉटन आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी है आपके पास या कोई पुराना कपड़ा बना है, कपड़ा पड़ा है तो उसकी कतरन भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। इस तरीके से कतरन को हल्का सा इसमें आपको फिल कर देना है ताकि हमारा फ्लफी सा बने और सॉफ्ट बने। इस तरीके से मैंने इसको पॉकेट को फिल कर दिया। अब इस पे सिलाई लगा के इसे क्लोज कर लीजिए और इसी तरीके की हम पॉकेट्स बनाएंगे और इसका साइड में डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने पॉकेट्स बनानी है, अलग अलग कलर जो मेरे पास बचे कुचे थे उसमें से इस तरीके से मैंने बना लिए जैसे आपको बताया था। अब आपको क्या करना है, इसे हम बेस के साथ अटैच करेंगे और साइड का हम बॉर्डर का डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से लेना है, इसे यहाँ पे रखना है 1, फिर उसके साथ में दूसरा कलर 2, पूरा राउंड में हमें इन्हें लगाना है 3 इस तरीके से रखते हुए, फिर 4 और यहाँ से पूरे राउंड में लगाते हुए पूरे राउंड पे इस पे सिलाई लगा ली। ये मैंने पूरे राउंड पे लगा ली। अब आपको क्या करना है, एक पीस मैंने लाइनिंग का लिया सेम कलर के लिए, मैंने सेम राउंड है जो ये राउंड है सेम इसी साइज का मैंने राउंड पीस लिया है। इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, इस तरीके से रखना है और एक तरफ से सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड पे सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। मैंने पूरे राउंड पे सिलाई लगा ली, एक तरफ से थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, यहाँ से इसे पूरा सीधा कर लीजिए। सीधा करने से पहले इस पे साइड पे इस तरीके से छोटे छोटे नोचेस लगा लीजिएगा। नोचेस लगाने के बाद यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए, सीधा कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफी बड़े साइज का हमने इसे बनाया। अब आपको क्या करना है, जहाँ से हमने इसे सीधा किया था यहाँ से थोड़ा सा ये जो रफ है इस तरीके से फोल्ड करते हुए सुई और धागे से इसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फिनिश कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा रफ एजेस हैं, इसे इस तरीके से मैं फोल्ड करते हुए सुई और धागे से अच्छे से हेमिंग कर लूँगी। इसे सुई और धागे से अच्छे से हेमिंग करते हुए स्टिच कर नॉट लगा के इसे कट कर लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक हेमिंग से मैंने इसे स्टिच कर लिया। तो ये इस तरीके से हमारा बेस बिल्कुल रेडी हो गया फिनिशिंग के साथ। अब हमें क्या करना है, जो करना है ये जो हमने राउंड बनाया था इसे इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, देखिए सेंटर में, और इस पे पूरे पे राउंड पे
एक तरफ से शुरू करते हुए पूरे राउंड पे सिलाई लगा ली, बीच में सिलाई लगा ली। तो साइड में इस तरीके से हमारा डिजाइन आ गया, बीच में ही हमने जो बनाया था उसका डिजाइन आ गया। तो इस तरीके से हमारा मैट बिल्कुल रेडी हो गया, क्योंकि हमने इसमें डबल फॉर्म डाली है ऊपर वाले पीस में भी और नीचे वाले पीस में भी, तो इसकी थिकनेस भी काफी अच्छी बनती है फ्रंट साइड। और ये इस तरीके से देखिए, ये बैक साइड से, ये बैक साइड आप इस तरफ से भी इसे यूज कर सकते हैं, बैक साइड से भी यूज कर सकते हैं, इस तरफ से भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है, आप इसे दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया है।